हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 बजे से। तो बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, क्योंकि आज है टीचर्स डे, आज है 5 सितंबर। तो सभी टीचर्स को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। और बच्चों आ गए थे 1 बजे ना, 1 बजे आ गए थे। तो अभी ना मैं उनके लिए बना रही थी आज फ्राइड राइस, क्योंकि सुबह मैंने उनके लिए बनाए थे अपम, तो कुछ वो खा के गए थे, कुछ वो स्कूल लेके गए थे। उसके बाद मैंने अभी उनके लिए बनाया फ्राइड राइस। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने फ्राइड राइस कैसे बनाए हैं। ये हैप्पी टीचर्स डे टाइम। तो मैंने ना यहाँ पर बना रखा है बच्चों के लिए फ्राइड राइस। खिले खिले चावल मेरे। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद मैंने किया आराम और मेरे बच्चों ने देखा महाभारत। आजकल ये किस पे आ रहा है ना महाभारत? डिज्नी हॉटस्टार। डिज्नी हॉटस्टार पे कंटिन्यू महाभारत आता है, तो उन्होंने महाभारत देखा। और अब मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि आज है मंगलवार, तो आज रावत जी का फास्ट है। और आराम्य कर रहे हैं अब अपनी पढ़ाई, फिर उसके बाद जाना। तो मैंने 2-3 दिनों से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर इनके लिए ना, बैडमिंटन क्लास देखने के लिए। तो अकेडमी तो सुबह के टाइम पे 2 दिन गए, एक दिन संडे को गए तो संडे को बंद था, मंडे को गए तो मंडे को बोला ऑफिस 9:30 बजे खुलता है। तो आज देखती हूँ मैं और फ्रेंड जाएंगे, तो बच्चों के लिए बात करके आएंगे। सुबह का टाइम मिलता है कि शाम का, पूछ के आते हैं, देखते हैं। अभी रावत जी को भी एक बार पूछूँगी फ़ोन करके कि मैं ही जाऊँ कि आप जाओगे। अगर बोलेंगे कि तुम ही लोग होके आ जाओ, तो फिर मैं और मैं फ्रेंड को लेके जाऊंगी, थोड़ा दूर भी है। हाइड पॉइंट खेलेंगे, आप लोग भी हमारे साथ चलोगे? नहीं। तो उसके बाद फिर अगर सही टाइम मिलता है तो कल से आरावान्य जाएंगे बैडमिंटन क्लास। तो मैं अभी झट से बना रही हूँ खीर, खीर में भी थोड़ा टाइम लगता है। अभी मैंने चढ़ाई है तो देखते हैं अभी, क्योंकि शाम को 7 बजे तक बोला ऑफिस खुला रहता है। चलो दोस्तों, मिलती हूँ मैं भी आप लोगों से खीर बनाने के बाद। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं ग्राउंड में जाने के लिए, और 6:10 समय घर पे ही हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। मैंने सोचा था जल्दी निकलेंगे तो हमें लोग पता करके आ जाएंगे। अब मैं करती हूँ राहुल जी को फ़ोन, देखते हैं राहुल जी क्या बोलते हैं, क्योंकि वहाँ जाते जाते ना 7 से ऊपर हो जाएगा टाइम। देखती हूँ अभी रावत जी क्या बोलते हैं। दोस्तों, हम लोग घर पहुँच चुके हैं। आने ने क्या किया ना, थोड़ी देर खेला बैडमिंटन, उसके बाद उसका वहाँ पे मन नहीं लगा, क्योंकि उसकी आंटी आई नहीं थी। तो उसने बोला कि चलो ना मम्मी वहीं चलो आंटी के घर के नीचे। तो फिर वहाँ जाके खेल रहे थे बच्चे। और अकेडमी जाने के लिए हम लोग हो गए थे लेट, तो फिर रावत जी आए। तो रावत जी कंपनी से होते हुए उधर की साइड से होते हुए आए, तो अकेडमी में बात करके तो आ गए हैं। अभी देखते हैं आरब कल से जाता है कि नहीं, बोल तो रहा है कि भेज दो, टाइमिंग भी थोड़ा जल्दी का ही है। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग का होगा तो सही रहेगा ना, लेकिन मॉर्निंग का नहीं मिला है, मिला है शाम का। तो देखते हैं अभी कल से क्या होता है, जाता है कि नहीं। तो अभी मैंने रावत जी के लिए बना रखी है खीर, तो सबके सब हाथ मुँह धोएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद खाएँगे हम लोग खीर। चलो दोस्तों, आप लोग बने रहना हमारे साथ में, मिलती हूँ मैं भी आप लोगों से थोड़ी देर में। दोस्तों, टाइम रात के बज चुके हैं 10, और मैंने ना चिया सीड्स निकाले थे, कुछ मैंने शाम को साफ़ किए थे, कुछ मुझे ना इनमें कचरा सा लग रहा था, कुछ अभी साफ़ किए। तो मैं सोच रही हूँ सुबह कभी कभी याद आता है मुझे, तो मैं पी लेती हूँ इसका, इसको भिगो के रखती हूँ, तो सुबह मतलब मैं खा लेती हूँ। और सुबह के लिए मैंने ना यहाँ पर गोभी काट दी है। तो अभी आन्या सो गई है, आरव अभी सोया नहीं है, इधर बैठा है। तो ऐसे करते हैं ना, आज के ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।